आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास का दोगुना है। यदि पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है तो पहले गोलक की त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो हमसे पूछा गया है, तो हमने मान लिया ये पहला गोलक है, ये गोलक फर्स्ट है, तो ये सेकंड। मान लिया इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी स्मॉल आर है। तो हमसे बोला गया है पहले गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास का दोगुना है, तो क्या हो जाएगा? तो पहले गोलक का व्यास बराबर दो गुना है किसने? दूसरे गोलक के व्यास के। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। तो पहले गोलक की त्रिज्या आर है तो व्यास कितना हो जाएगा? टू आर, और यहां से दो गुना स्मॉल आर है इसकी त्रिज्या, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? टू आर। तो यहां से टू से तो टू चला जाएगा, तो आर कितना जाएगा? आर बराबर जाएगा टू आर। आर का मान तो कितना आ गया यहाँ से? टू आर। तथा हमसे बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। तो पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। तो पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई और आर स्क्वायर। पहले गोलक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, और दूसरे गोलक का आयतन पूछा है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर बराबर क्या है? स्मॉल 2 आर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा? 16 पाई आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4 से कट देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा? 4 बार, और पाई चल जाएगा, आर क्यूब इधर है, इधर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा कितना? आर क्यूब। आर बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 बराबर आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो हमसे पूछा क्या है उसने? फिर पहले गोलक की त्रिज्या, तो पहले गोलक की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, और कैपिटल आर बराबर क्या है? 2 × r। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2 × r की वैल्यू 12। तो यहाँ से बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 24 मीटर आ जाएगी यहाँ से। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।